ये कहानी आज से 3 साल पहले की है, जब मैं अपनी पत्नी सविता के साथ एक ट्रिप पर गया था। एक ऐसा ट्रिप जहां सिर्फ मैं, वो और हमारा रोमांस था। लेकिन वह कमरा नंबर 307 में बिताए एक रात की वजह से मानो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसे याद करके मेरा रोम रोम कांप उठता है। 3 साल पहले वो आज ही का दिन था, जब हिमाचल की वादियों में हम एक दूसरे में खोए हुए थे। ट्रिप का वो आखिरी दिन था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वापस जाने से पहले हम एक बार फिर से आसपास की सभी जगह का राइड मारेंगे। शाम के करीब 5 बजे थे जब हम होटल से कार लेकर राइड के लिए निकले, हिमाचल की उन वादियों में जहाँ कोई भी मदहोश हो जाए। वहाँ की प्रकृति की सुंदरता को देखकर, और फिर मेरे साथ तो मेरी हमसफर भी थी, जिससे ये सफ़र और भी सुहाना हो गया। हम जगह जगह पर रुकते और सेल्फी लेते, और जहाँ कहीं सुनसान जगह मिलती तो हम रोमांस करने से भी पीछे नहीं हटते। बस गाड़ी रोकी, म्यूजिक स्टार्ट और हमारा कपल डांस शुरू। ऊंची पहाड़ी पर सविता को अपनी बाहों में भर के सनसेट देखने का भी अलग ही मजा था। पर ये सब करते करते हम काफी दूर निकल गए थे, इतना कि हमें समय का भी पता नहीं चला कि रात के 10 बज गए थे। वैसे तो हम होटल से चेकआउट करके निकले थे और प्लान ये था कि रात को कहीं रास्ते में ही स्टे करते हुए सुबह घर को निकल लेंगे। पर अब हमारा प्लान ये बना कि हम नाइट ड्राइव करते हुए घर निकल लें। एक छोटे से ढाबे पर हम डिनर के लिए रुक गए। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम वापस वहां से निकलने लगे। मैं बोल ही रहा था कि हम इस शॉर्टकट से निकल लेते हैं, इतने में ढाबे वाले आदमी ने कहा, ना ना साहब, यूं आधी रात को वो रास्ता ना लीजिए। बहुत किस्से सुने हैं मैंने, जब भी कोई नया जोड़ा उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी जान ले लेती है। कहते तो ये भी है कि उन्हें किसी खास जोड़े की तलाश है जिससे उन्हें नया शरीर मिले, और जब तक उन्हें वो खास जोड़ा ना मिल जाए वो यूं ही उनकी कब्र खोदती रहेगी। उस ढाबे वाले की कहानी सुन जोर से हंस पड़ा और जाके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के मैं हंस ही जा रहा था, तभी सविता ने मुझसे कहा, विनोद, तुम्हें इस तरह से उसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए, क्या पता वो सच बोल रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सविता के हाथ को चूमा और कहा, जाने मन, ये गांव के लोग कहानी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, तुम ध्यान मत दो, और तुम्हारा डेविल तो तुम्हारे सामने बैठा है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। सविता ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी, इस डेविल से तो मैं बचना भी नहीं चाहती। मैंने गियर बदला और गाड़ी को शॉर्टकट की तरफ ही मोड़ दिया, जिसके बाद रोमांटिक म्यूजिक के साथ हमारा सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही जा रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे और पहाड़ी के उस आरी तिरछी सड़क पर भी मेरी नजर कभी सामने सड़क पर होती तो कभी सविता की आंखों में। एक हाथ कार के स्टीयरिंग पर तो दूसरा सविता के हाथ में। दोनों इस रोमांटिक सफर का मजा ले रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी कटीले रास्ते से हाईवे की तरफ बढ़ गई थी, और रास्ता बिल्कुल सीधा था, इसलिए मैं सड़क से ध्यान हटाकर सविता के हाथ को चूमने लगा। सविता ने मुझसे कहा, फिलहाल तुम गाड़ी चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, तो तुम अपने डेविल को रोक रही हो। मैं उसकी आंखों में देखकर कह रहा था कि उससे पहले वो सामने देखते हुए चिल्लाई, विनोद संभाल के बच्ची है। मैं गाड़ी को संभाल पाता उससे पहले हमारी टक्कर एक बच्ची और उसके पीछे आती एक औरत से हो गई, और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पत्थर से टकरा गई। अभी हमारी किस्मत ही थी जो हम बच गए, नहीं तो हमारी गाड़ी पलट भी सकती थी। गाड़ी के रुकते ही सविता ने खुद को संभाला और बाहर उन्हें देखने चली गई जो हमारी गाड़ी से टकराए थे। उसके पीछे मैं भी भागा भागा बाहर गया, पर बाहर दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं, सड़क बिल्कुल साफ जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
हम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी से टक्कर हुई तो हुई किसकी। मुझे तो यही लगा कि ये मेरा वहम था, किसी की टक्कर मेरी गाड़ी से हुई है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई परिंदा टकरा गया होगा। पर मेरी पत्नी सविता ये मानने को तैयार नहीं थी। वो पता नहीं किस बच्ची और औरत की बात कर रही थी। मैंने कैसे भी उसे समझाया और वापस गाड़ी में बिठाया, पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बोनट में से धुआं निकलने लग गया और गाड़ी बंद हो गई। मैंने सोचा चेक करूं कि आसपास कोई गैराज है या नहीं, पर ये क्या, मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं था। तभी मेरी नजर सामने एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था होटल 200 मीटर। मैं सविता के साथ साइन बोर्ड के डायरेक्शन में ही चला गया, जहां मुझे होटल तो नहीं पर एक कब्रिस्तान मिला, जिसके मेन गेट के ऊपर आधे चांद जैसे बोर्ड पर स्वर्ग से शमशान लिखा था। सविता को यह बोर्ड बहुत अजीब लगा और उसने कहा, भला कब्रिस्तान का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ सड़क के नीचे एक 3 मंजिला प्रॉपर्टी पर गया और मैंने सविता से कहा, इसे छोड़ो और सामने देखो, लगता है कोई होटल ही है, चलो चल के देखते हैं। सड़क पार करके जैसे ही हम होटल के करीब पहुंचे तो हमने पाया होटल का नाम स्वर्ग है। सविता के मन में होटल का नाम खटक गया, क्योंकि सामने कब्रिस्तान का नाम स्वर्ग से शमशान था। वो कुछ बोलती इससे पहले मैंने उत्तर दिया, कुछ मत सोचो, थक चुकी हो तुम, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी पुरानी हवेली में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे होटल को एंशियंट थीम में बनाया गया हो। हर तरफ डिम लाइट और बारीकी से तराशी गई मूर्तियां। इधर उधर देखते हुए हम रिसेप्शन पर पहुंच गए। आवाज लगाने पर एक अधेड़ उम्र के आदमी बगल वाले कमरे से निकल के आया। रिसेप्शन पर आते ही एकदम बुझा बुझा सा कहता है, आइए, स्वागत है आपका। मैंने उससे कहा, एक कमरा चाहिए हमें आज रात के लिए। मेरे इस बात पर वो बुदबुदाते हुए स्वर में कहता है, बस एक ही रात काफी है। सविता ने उसकी आवाज को सुन लिया और उसने आपत्ति जताते हुए कहा, मतलब क्या है आपका। अजीब मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देता है, हम एक दिन भी आपकी सेवा कर पाऊं वो काफी है मेरे लिए। चाबी लीजिए, कमरा नंबर 307। चाबी देते हुए वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। सविता से पूछती है, यहाँ सिर्फ हम हैं या कोई और भी है। कमरा नंबर 307 ही आखिरी है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वो आदमी अपने कमरे में चला गया। इधर मैं भी सविता के साथ लिफ्ट की तरफ पड़ गया, लेकिन उस पर नो सर्विस का बोर्ड लगा था, इसलिए हमें सीढ़ी से ही ऊपर जाना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर से हम 3rd फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन इस पूरे होटल में हमें कोई दिखा नहीं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा था, जैसे कि इस वीरान होटल में हमारे सिवा और कोई है ही नहीं। रूम खोल के मैं अंदर चला गया, लेकिन सविता भी गैलरी में खड़ी अगल बगल के दरवाजे को देख रही थी ताकि इसे कोई और दिख जाए। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था, हो ना हो उस ढाबे वाले की बात उसके दिमाग में घर कर गई थी, इसीलिए मैंने उसे आवाज लगा के अंदर बुला लिया। फिर हम दोनों फ्रेश होकर बेड पर आ गए। सविता मुझे अब भी परेशान लग रही थी। उसके बालों को मैंने पीछे करते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों। उसने मेरे सीने पर सिर रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे सब अजीब अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे अपने आगोश में ले लिया और बड़े प्यार से कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, चलो आंखें बंद करो अपनी। सविता ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैंने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना हाथ उसके सिर पर सहलाने लगा, और ऐसा करते करते मैं खुद कब सो गया
ये मुझे भी पता ही नहीं चला। उस वक्त घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे, पर सविता की आंखों में अभी भी नींद गायब थी। वो एकटक ऊपर घूमते हुए पंखे को देखे जा रही थी। उसके मन में बेचैनी थी, इसीलिए उठकर बालकनी में चली गई जहां ठंडी हवाओं का झोंका चल रहा था। अचानक से उसकी नजर गेट से भागती आ रही एक बच्ची पर पड़ी, जिसके पीछे एक औरत भी थी। सविता को यह विश्वास हो गया कि ये दोनों वही है जिसकी टक्कर गाड़ी से हुई थी। सविता तुरंत भागकर मेरे पास आई, लेकिन मैं काफी गहरी नींद में था, इसलिए वो खुद ने नीचे देखने चली गई। नीचे पहुंचते ही उसे बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, जो इस वक्त उस कमरे से आ रही थी जिसमें होटल का वो अधेड़ उम्र का आदमी रहता है। सविता तवे पांव उस कमरे के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वहां दरवाजे के पास रुककर उनकी आवाज सुनने की कोशिश करती है, बच्चे के हंसने की आवाज अचानक से रुक जाती है। और ऐसी आवाज आती है जैसे कि चल के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। सविता ध्यान से उस दरवाजे को सुनने लगती है, तभी झटके के साथ दरवाजा खुल जाता है और उसे एहसास होता है जैसे कोई भाग कर उसके सामने से निकल गया हो। पर उसे कोई दिखा क्यों नहीं। वो पहले कमरे में झांक कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। अचानक से नो सर्विस लिखे हुए लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखते ही सविता धीमे कदमों के साथ उस लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद होने लगता है, जिसे देखकर सविता दौड़ के उसकी तरफ पड़ती है ताकि वो लिफ्ट को रोक सके। लिफ्ट का दरवाजा वापस से खुल जाता है, लेकिन सविता असमंजस में थी कि वो लिफ्ट में चढ़े या ना चढ़े। ऐसे में उसे लगा कि उसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया और वो लिफ्ट में जा गिरी और दरवाजा बंद। लिफ्ट कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे। सविता खुद को संभाल नहीं पा रही थी, कैसे भी करके वो बटन्स के पास पहुंची, लेकिन कप कप आती लाइट और बार बार लिफ्ट ऊपर नीचे जाने के कारण वो सही से बटन भी नहीं दबा पा रही थी। इसके साथ ही लिफ्ट में बच्चे के हंसने की डरावनी आवाज भी गूंजने लगी। सविता के डर के मारे पसीने छूटने लगे। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, कितने में किसी ने उसके बालों को जोर से पकड़ा और लिफ्ट के दरवाजे पर जोर से दे मारा। सविता चीखते हुए नींद से उठती है। अब तक का यह खतरनाक मंजर उसके सपने में चल रहा था। सविता के चीख से मेरी भी नींद टूट गई। फिर क्या हुआ ये पूछने पर उसने सपने की पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मैंने उससे कहा, ऐसे वक्त में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कोई है, उसका भी ख्याल तुम्हें रखना है। अभी सो जाओ तुम, ठीक है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सविता मेरे सीने पर सर रख के सो गई। अगली सुबह हम दोनों नीचे पहुंचे तो हमने पाया कि गाड़ी हमारे होटल के दरवाजे पर लगी है और वह अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी के बगल में खड़ा है। मेरे आते ही वह बोलता है, हेलो बाबू, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। मैं देखकर काफी खुश हो गया, पर साथ ही मेरे मन में यह सवाल भी घूमने लगा कि इन्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं कुछ पूछता इससे पहले सविता ने मुझसे कहा, चलो मुझे बस अब जल्दी से घर जाना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्लोली स्लोली आगे बढ़ने लगा। अधेड़ उम्र का वो आदमी हाथ हिलाते हुए हमें अलविदा कहने लगा, पर हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर भी वो आदमी हमें अलविदा किए जा रहा था, हमें नहीं बल्कि गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी उस माँ बेटी को, जो न जाने हमारे साथ क्यों जा रहे थे। कहीं वो खास जोड़ा हम ही तो नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी। जानने के लिए कमरा नंबर 307 के अगले एपिसोड में जरूर मिलें।